की कदर करते हैं, जनता की भावनाओं पर चलते हैं, जो जनता की भावनाओं में साथ आना चाहता है उनका बहुत बहुत स्वागत दिल से है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इन्होंने महागठबंधन के ऊपर आरोप लगाया कि ये महागठबंधन तो वजूद बचाने वाले लोग हैं, अपना वजूद बचा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का किसान भी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई है, और उस किसान आंदोलन में पूरे भारतवर्ष में केवल मात्र एक विधायक अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में आया, इसलिए मेरा वहां महागठबंधन है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के खिलाड़ी अपना वजूद बचा रहे हैं, ये सत्य बात है। प्रवक्ता जी ने कहा कि वजूद बचा रहे, नेता नहीं बचा रहे हैं, नेता तो पैरवी कर रहे हैं। आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के चुने हुए सरपंच अपना वजूद बचा रहे हैं, और आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? हरियाणा प्रदेश के पेंशन ओल्ड पेंशन धारी वजूद बचा रहे हैं और सबके साथ एक ही सलूक किया है। 700 किसानों की मौत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता अफसोस करने नहीं आया है। वोट मांगने बड़े आ गए, आप हाथ जोड़ने बड़े आ जाते हो, और हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने चर्चा की है, मेडिकल का नाम बताएं कौन सा खोला गया है। हाईवे के बारे में बता देता हूं, किसानों के खेतों में से हाईवे निकाल के ले जाते हो, लेकिन किसी को चढ़ने की उस पर परमिशन नहीं है। ना बुग्गी जाएगी, ना ट्रैक्टर जाएगा, ना गाड़ी जाएगा, ना साइकिल जाएगा, ना पैदल वाला जाएगा। केवल शर्मादार लोग जाएंगे, केवल पैसे वाले लोग जाएंगे, अपना व्यापार बनाने के लिए, अपने अडानी अंबानी के कारोबार चलाने के लिए ये सब हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। चलिए।